हमारे तमाम मतदान स्थल से हमारे जो संवाददाता है ग्राउंड जीरो पर मतदान स्थलों से मौजूद हैं, पल पल की अपडेट्स और तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए प्रवीण श्रीवास्तव गोंडा से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण से जानना चाहूंगी किस तरह के जो माहौल है गोंडा पे बना हुआ है और लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 घंटे का समय बीत चुका है वोटिंग को लेकर, क्या कुछ सिलसिला बना हुआ है वोटर्स का मतदान स्थल पहुंचने का? जैसा कि हम आपको बता दें, गोंडा जिले में 7 विधानसभा में मतदान होने हैं, उसको लेकर सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया, लोगों का आना शुरू हो गया, लोग आ जा रहे हैं, मतदान पूरे तरीके से हो रहे हैं। हम इस समय कटरा विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर बूथ पर खड़े हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आए हैं और लाइन सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था कर दी गई है, लोग आ रहे हैं और लाइन अपने जाके दवा फिर वोटिंग करके घर भी वापस जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के अलग अलग इंतजाम पैरामेट्रिक। और आपको रोकना चाहूंगी, आपसे तमाम जानकारी हम लेंगे, लेकिन इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वोट डालने जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, कौशाम्बी से ये सीधी तस्वीरें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने वोट की चोट करने जा रहे हैं। 5वें चरण में तमाम सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और सिराथू विधानसभा एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और इसी सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में मौजूद हैं और अपने वोट की चोट करने पहुंचे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। योगी सरकार के तमाम बड़े दिग्गज है की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है और उनमें से एक नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी है जो सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पल्लवी पटेल कड़ी चुनौती देने के लिए मौजूद हैं। और यूपी के रण 5वें चरण में महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं पल पल की अपडेट्स खबर देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है खुद ही अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी में 5वें चरण का चुनाव चल रहा है और इस बीच तमाम जो हमारे संवाददाता है वो भी मतदान स्थलों से मौजूद है। प्रवीण श्रीवास्तव से हम बात कर रहे थे, गोंडा से हमारे साथ बने हुए थे। किस तरह का जो उत्साह है लोगों में बता रहे थे। प्रवीण श्रीवास्तव से जानना चाहूंगी दोबारा से, क्या कुछ माहौल बना हुआ है और लोगों में किस तरह का उत्साह वोटिंग को लेकर? जैसा कि हम आपको बता दें, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, लोग अपने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों की तरफ जा रहे हैं। इस समय कटरा विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, यहाँ लोगों का भीड़ लग रहा है, आ रहे हैं, कुछ लोग मतदान करके अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ आप पीछे देख सकते हैं मेरे कैमरे में कि वो लाइन पे लोग लगे हुए हैं। यहाँ एक मतदाता है जो मतदान करके आए, आइए हमसे बात करते हैं, उन्होंने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? आज आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? विकास के नाम पे किया है, किस नाम पे? जैसा कि इन्होंने बताया कि ये विकास के नाम पर कानून व्यवस्था को लेकर इन्होंने मतदान किया है। यहाँ भी काफी लोगों का जमावड़ा हो रहा है, आ रहे हैं लोग, और सुरक्षा व्यवस्था की अगर इंतजाम की जाए तो पूरे बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य जिलों की फोर्स लगाई गई है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, कल करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, उन भिड़ंत को लेकर जिले के आला अधिकारी करनैलगंज कोतवाली में मौजूद रहे। ये 3 बजे तक चलती रही, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने के बावजूद भी सपा और कार्यकर्ता के
कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई, जिसको लेकर पूरा गहमा गहमी है। गोंडा जिले के सबसे हार्ड सीट बनती चली जा रही है कर्नलगंज विधानसभा। उसका मुख्य कारण है कि पिछले 2017 में जो भाजपा के विधायक हुए थे उसमें से एक विधायक का टिकट काट के नया चेहरा कर्नलगंज में दिया गया। जी, तमाम मतदाता जो है वो भी स्थल पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि कोरोना काल में ये जो चुनाव है वो चल रहा है, तमाम प्रोटोकॉल्स जो है, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था क्या कुछ बनी हुई है मतदान स्थल पर? जैसा कि हम आपको दिखा दें कि यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ एक स्टॉल लगाया गया हुआ है जो कोविड-19 का पालन करता है, यहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद मास्क दिया जाता है। मास्क लगाने के बाद लोगों को फिर मतदान केंद्र पे जाने की इजाजत दी जा रही है। यहाँ कैमरे में देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की पूरी इंतजाम किया गया है। महिलाओं की लाइन अलग लगी है, पुरुष है जो उनके लाइन अलग है, सब लोग मास्क लगा के कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। जी, रजत सिद्दीकी भी हमारे साथ बने हुए संवाददाता बाराबंकी से। बाराबंकी से क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है और क्या कुछ माहौल इस वक्त बाराबंकी में बना हुआ है? पांचवें चरण का चुनाव आज चल रहा है बाराबंकी में। बाराबंकी के 6 विधानसभा सीटों पे आज चुनाव होना है। सुरक्षा के व्यवस्था के दृष्टि से अगर हम कहा जाए तो पूरे चाक चौक इंतजाम गए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि कैमरा मूव करें, दिखाएं कि सुरक्षा व्यवस्था के काफी इंतजाम किए गए। मैं इस समय प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर बूथ पे लाइन लगी हुई, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में वोटिंग चालू हुई है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर 1 घंटे देरी से वोट चालू हुई है, तकनीकी खराबी के कारण यहाँ पर वोट नहीं पड़ पाए थे। अब तकरीबन सवा आठ बज रहा है, तो यहाँ पर वोट पड़ा है। कुछ महिलाएं हैं जो वोट करके निकल रही है, हम उनसे पूछेंगे सुबह वोट किया है, कितनी क्या हुआ, क्या वजह थी और इतनी देर में वोट करके वोट डाल दिया आपने? जी हाँ। ये क्या सोच के वो डाला है आपने? ये हमने ये सोच के डाला कि अगले उसमें जो आए वो जीत पाएगा। नहीं तो ये पता चला था यहाँ पे ये पोलिंग बूथ में मशीन खराब हो गई है। मशीन खराब हो गई थी, 7:30 बजे हम लोग यहाँ खड़े हैं। कितने घंटे इंतजार करना पड़ा आपको? आधा घंटा। 7 बजे पोलिंग शुरू होनी थी, 1 घंटे 8:15 बजे चालू हुई, उनको आधा घंटा इंतजार करना। हमारे साथ एक और महिला है, एकदम यंग है, इन्होंने, क्या नाम है आपका? आत्मा की दवाई। आत्मा जी, क्या आपने वोट कर लिया? पहला वोट है। अच्छा, इनका पहला वोट है, ये आज पहला वोट देने आई है। जी जी, बात करेंगे आपसे। इस बीच रीता बहुगुणा जोशी अपने मत का प्रयोग करके बाहर आती हुई नजर आ रही है। हर चुनाव को एक ऐसा इवेंट बना दिया, महोत्सव बना दिया है। क्या जितने भी हमारे बूथ से वो सजे हुए हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं, और अब जिस तरह से करीब करीब 58 लाख नए मतदाता इस प्रदेश में बने हैं, इस बात का द्योतक है कि लोग अब चुनावी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी लेने के लिए तैयार हैं सरकार बनाने में। जितने भी अभी तक रुझान आ रहे हैं आपके सामने स्पष्ट है कि वो किसके लिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आ रहे हैं। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझती हूँ 70% मतदान होने की संभावना है, और यहाँ से हम सभी सीटें जीत के निकलेंगे। और भाजपा की क्या स्थिति बन रही है, सरकार बना पाएगी? जब हमने कहा आपसे कि अब सरकार तो हमारी ही बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी, पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम लोग 300 से ज्यादा सीटें उम्मीद कर रहे हैं। गुड़ा जोशी को सुन रहे थे आप। प्रयागराज में 70% मतदान होने की संभावना बता रही थी कि इस बार सबसे ज्यादा मतदान होने वाला है प्रयागराज में। फिलहाल रजी सिद्दीकी संवाददाता बाराबंकी से लगातार हमारे साथ बने हुए। बाराबंकी की बात करूं तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे बाराबंकी की जनता के बने हुए, जिसके आधार पर जो बाराबंकी के लोग हैं वो वोट की चोट करेंगे आज पांचवें चरण में? जी, आपको बता दें कि बाराबंकी के प्रमुख मुद्दे है रोजगार। जो यहाँ पे किसान है उनको सबसे बड़ी साड़ों से समस्या है कि गाय और जो उनको, और जो विकास के नाम पर जो वोट किया जा रहा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। यहाँ पे कई जिले, कई विधानसभा ऐसी है जहाँ पर काम नहीं हुआ है। इन शब्दों को देखते हुए यहाँ बाराबंकी की जनता आज विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर और सभी मुद्दों के नाम पर यहाँ पर वोट करने वाली है। जी जी, केपी सिंह भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। क्या कुछ माहौल सामने जो आ रहा है संवाददाता जहाँ पर आप मौजूद है, और लोगों के जो मतदान स्थल पहुंचने का सिलसिला है वो भी क्या कुछ बना हुआ है?
देखिए इस समय हम बगरैया में जो कलेक्टर के ठीक पीछे जो बगरैया का कलकटवा पूर्वी भाग है उस मतदान केंद्र पर मौजूद है और यहाँ पर जो है सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। यही वो मतदान केंद्र है जहाँ पर डीएम नेहा प्रकाश जी ने और सीडीओ ईशान प्रताप सिंह ने जो एसपी हैं अरविंद कुमार और उन लोगों ने वोट डाला है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद उन्होंने उनका जो कि देश के न्यूज पर वो चले उनका जो है बाइट भी चला है। तो यहाँ पर सुबह से 7 बजे से लगातार वोटिंग चल रही है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से देखिए मतदाताओं की जो लाइन है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे जो कि जब हम यहाँ सुबह 7 बजे पहुंचे थे तो बहुत गिने चुने मतदाता थे लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की काफी लंबी कतार लग चुकी है और हमारे साथ इस समय यहाँ पर जो है जी बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से बड़ी खबर, जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध। कानून व्यवस्था को बदमाशों ने दी खुली चुनौती। बरेली से खबर बता रहे हैं जहां लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बरेली का लाइन ऑर्डर हुआ पूरी तरह से फेल। तमंचे के बारूद से धुआं धुआं हुई बरेली। बरेली में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे। डॉक्टर व सीओ पर फायरिंग से जिले में दहशत बनी हुई है। बरेली से बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। सीओ को कार से घर जाते समय मारी गई गोली। बदमाशों ने निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को मारी गोली। बरेली से खबर बता रहे हैं जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कार से घर जाते वक्त बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शानू कुमार बरेली से बने हुए हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी? बरेली में अपराध जो है वो इस कदर बढ़ चुका है कि डॉक्टर खुलेआम जो कार में सीईओ मौजूद है उनको गोली मारी जा रही है। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? निश्चित तौर पे बरेली की बात करें तो बरेली का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। बरेली की जो पुलिस है व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। देर रात की बात करें तो दो जगह गोलीबारी, एक ही शहर में शहरों के बीचों बीच दो जगह गोलीबारी की गई जहां पर एक कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के कुलाधिपति है जो की चेयरमैन है और डॉक्टर केशव अग्रवाल, उनको गोली मारी गई। दूसरी जगह एक सोपती बिल्डर के जो सीईओ है अकाउंट सीनियर अकाउंटेंट है उनको गोली मारी गई। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीईओ जो डॉक्टर केशव अग्रवाल है उनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आ चुका है लेकिन जो अभी सीनियर अकाउंटेंट है सोपती बिल्डर के उनकी हालत अभी भी गंभीर है। दोनों को भर्ती कर लिया गया। हालांकि जो आप देख सकते हैं सात ड्राइवर ने जिस तरीके से देर रात गोलीबारी हुई और एक घंटे के अंदर अंदर बरेली का जो शांत वाला माहौल था उसको बिल्कुल रक्तहीन खूनी भरा बरेली कहला दिया गया। एडीजी एसपीसीडी एसएसपी तमाम जो अधिकारी चाहे आईजी की बात करें सभी लोग मौके पर पहुंचे लेकिन अभी तक सिर्फ छानबीन का सिलसिला जारी है। कोई भी आरोपी गिरफ्त नहीं हुआ है। हालांकि जो कार पे जो केशव अग्रवाल है उनकी जब गोलीबारी की बात हुई जब वो मंदिर से लौट रहे थे मंदिर से लौटते वक्त उनकी कार में बदमाशों ने फायरिंग की है। सरे शाम चलते रोड पर फायरिंग की गई थी। सकते हैं कि किस तौर पर कानून व्यवस्था है। जगह जगह कैमरे लगे हैं लेकिन बदमाशों का हौसला बुलंद है क्योंकि कानून व्यवस्था फेल है। जी जी डॉक्टर और सीईओ को गोली मारी जाती है। क्या कुछ कारण पुलिस की कार्रवाई में या पुलिस की जो जांच चल रही है क्या कुछ कारण समझ में आ रहा है जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया बदमाशों के द्वारा? देखिए निश्चित तौर पर जो डॉक्टर केशव अग्रवाल है उनको गोली मारी है। उनकी कोई भी किसी लड़ाई दंगा नहीं है क्योंकि पेशे से डॉक्टर है और एक मेडिकल कॉलेज के चूंकि चेयरमैन भी है तो किसी से भी उनका कोई विवाद नहीं बात विवाद नहीं। तो जो बदमाशों का जो हौसला बुलंद है काफी लंबे समय से उनके ऊपर निगाह रखी जा रही थी इसलिए कल जब वो मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे तो उनकी कार पे वार किया गया था। कार के शीशों को चारों तरफ से तोड़ दिया गया था। एक जो जिस तरीके से फिल्मी सीन होते हैं उस तरीके से चारों तरफ से गोलीबारी की गई थी। तब उनके गले के हिस्से पर एक गोली लगी थी। इसके बाद उनको मेडिकल में भर्ती कराया गया और कई जगह हॉस्पिटल से रेफर किए गए। सब जगह एक उनको इस तरह एडमिट किया गया जहां पर उनकी हालत में सुधार है। बात दूसरी की जाए जो कि राजीव गुप्ता है जो सोपती हॉस्पिटल सोपती बिल्डर के सीईओ है उनके उनका कहीं ना कहीं कोई बात जो साथी अकाउंटेंट है उसके साथ विवाद चल रहा था। कोई फ्लैट को लेकर के उनकी विवाद की बात सामने। हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सोपती बिल्डर के जो विवाद हुआ जिसे गोली मारी गई उसके आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया लेकिन अभी तक कोई क्लियर कार्रवाई नहीं सामने आ पाई है। तमाम जो आला अधिकारी है वो चुप्पी साधे हुए हैं और
जब मीडिया बात करना चाह रही है तो मीडिया से भी मुंह छुपाए बैठे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं चुनाव निकल गया और चुनाव के बाद अपराधों की बाढ़ लगातार बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले एक अस्पताल के मालिक और उद्योगपति को भी गोली मार करके बरेली में हत्या कर दी गई थी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बरेली में ये बड़ी खबर सामने आ रही है और यूपी के रण पांचवें चरण की मां कवरेज लगातार जारी है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं। तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मतदान स्थलों से मौजूद है, पल पल की खबर देने के लिए सब बने रहेगा हमारे साथ, आपसे खबर लेते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान के। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी के रण पांचवें चरण की हम बात कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो लगातार जारी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी और तमाम मतदान स्थलों से तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं मतदान स्थलों से, जहां पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है, लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट करने के लिए लोकतंत्र का महापर्व आज देश मना रहा है। और मतदान स्थलों से ये तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अपने वोट की चोट करने के लिए, लंबी कतारें यहां पर लोगों की देखी जा सकती है। काफी देर से लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं, कब उनकी बारी आएगी और अंदर जाकर वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वोट करेंगे। और तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले केपी सिंह से हम बात कर रहे थे, श्रावस्ती से मौजूद है हमारे साथ। केपी सिंह से जानना चाहूंगी कि श्रावस्ती की जो जनता है उनके क्या प्रमुख मुद्दे होंगे 2022 में, आज जो चुनाव हो रहे हैं और जो आज वोटिंग हो रही है, श्रावस्ती की जनता के क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जिनके आधार पर आज वो वोट करेंगे। देखिए श्रावस्ती की जहाँ तक बात है वहाँ तक विकास और बेरोजगारी यहाँ का भी मुद्दा है। हालांकि जो है अंतिम समय में 23 तारीख को जैसे कि यहाँ अखिलेश यादव जी आए, 24 तारीख को योगी आदित्यनाथ आए थे और 25 तारीख को जो कि मतदान के प्रचार का जो पांचवें चरण का अंतिम दिन था, उस दिन यहाँ पर जो है ओवैसी भी आए थे। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उन सबसे हट करके मतदाता अपने जो अपने मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर टिका हुआ है श्रावस्ती का मतदाता और लगातार उन्हीं मुद्दों को लेकर के वो मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी श्रावस्ती की बात करूं तो किन दो पार्टियों के बीच में या किन चेहरों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है और 10 मार्च को नतीजे किस कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ की जो दो विधानसभा है, सदर श्रावस्ती की सदर विधानसभा है, दूसरी जो है बिनगा विधानसभा है। श्रावस्ती विधानसभा की हम बात करें तो वहाँ पर त्रिकोणात्मक जो है संघर्ष देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी जो है लगातार मुकाबले में बनी हुई है। और अगर हमने जिस तरीके से मतदाताओं के बीच जा करके हमने जाना तो देखने में यही मिला कि तीनों पार्टियां जो है वो वहां पर जो है अपने बराबरी के टक्कर में चुनाव लड़ रही है। जहां तक भिंडगा विधानसभा की बात करें तो भिंडगा विधानसभा में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्य रूप से जहां पर जो है चुनाव लड़ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी अपनी सेनमार्ग में पूरी तरीके से लगी हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि जो इन दोनों पार्टियों का जो भविष्य है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ही निर्भर है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी वोटरों को अपनी ओर ले जाएगी, जिस तरीके से वो वोटरों को अपनी ओर मतदान के लिए प्रेरित करेगी, उसी तरीके से यहाँ पर जो है अन्य पार्टियां जो है चाहे वो भाजपा हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उनके जो है भविष्य जो है उनका दिखेगा। जी अब्दुल कादर बहराइच से हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ, बहराइच से क्या कुछ तस्वीर मतदान स्थलों की और लोगों के जो मतदान स्थल पहुंचने का सिलसिला है क्या कुछ बना हुआ है? करीब करीब 1.5 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है, 1.5 घंटे से वोटिंग चल रही है, किस तरह से जो मतदाता हैं वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं वोट की चोट करने के लिए? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जैसे बहराइच में आज 7 विधानसभा में चुनाव मतदान हो रहा है और 25 लाख वोटर हैं जो मतदान करेंगे। तो आप
जिसे देख सकते हैं कि सुबह के लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सुबह 7 बजे से पहले लोग आ गए हैं और लोगों में मतदान करने के लिए काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। ये लोग सुबह से ही लाइन दिखाई दे रही है, लगातार लाइन लगाए हुए हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्या होता है। क्या नाम है आपका? आज मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा है आप लोगों का? मेरा मुद्दा यही है गाड़ी। और तमाम जो संवाददाता है बने हुए हैं, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर सामने की आ रही है, भादर बूथ संख्या 300 में ईवीएम खराब। अमेठी से यह बड़ी खबर, मतदाता परेशान, वोट ना देने से मतदाताओं में नाराजगी देखी जा रही है। लाइन लगे मतदाताओं में भारी नाराजगी, भारी आक्रोश। भादर बूथ संख्या 300 में ईवीएम खराब। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, बूथ संख्या 300 में ईवीएम खराब, तमाम मतदाता परेशान, वोट ना देने की वजह से मतदाताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि लंबे समय से मतदाता जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बूथ संख्या 300 पे ईवीएम खराब होने की वजह से मतदाताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अमेठी से बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, अमेठी में यूपी में 5वें चरण का चुनाव लगातार जारी है, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से जो पूरी मतदान की प्रक्रिया है वो एक तरह से बाधित हो चुकी है। मतदाता खासे परेशान है, वोट ना देने की वजह से नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। तो अमेठी में से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, भादर बूथ संख्या 300 में ईवीएम खराब, मतदाता परेशान, वोट ना देने के कारण से मतदाताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मतदान प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित हो गई है ईवीएम मशीन खराब होने के कारण। अमेठी में आज 5वें चरण का चुनाव लगातार जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित हो जाती है, जिस वजह से मतदाताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लंबे समय से तमाम मतदाता लाइनों में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट करने के लिए, लेकिन ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से खासी नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। अमेठी एक तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और अमेठी के बाद अब बात कर लेते हैं अयोध्या से, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है, अयोध्या में मतदान केंद्र के ईवीएम में आई खराबी। ईवीएम में खराबी आने से मतदान रुका, अयोध्या से खबर बता रहे हैं, जहां पर 5वें चरण का चुनाव जारी है, लेकिन मतदान केंद्र के ईवीएम में खराबी के चलते मतदान प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित हो गई है। और इसी खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए संवाददाता अखंड प्रताप सिंह लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी अयोध्या में सामने आ रही, क्या कुछ अपडेट इस खबर पे आपके पास? जी, कुछ समय के लिए ईवीएम मशीन में खराबी है माना जाता है, लेकिन अब उसको यहाँ पे जो है यहाँ के आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने उसको सही करके फिर से सुचारू रूप से मतदान शुरू कराया। अब आपको बता दो, ठीक हमारे सामने ही अब मतदान शुरू हो गया है और लोग लाइन लगाकर अब मतदान देना शुरू कर दिए हैं। जी, लोगों में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है अयोध्या में, जिस तरह से जो मतदाता है वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं मतदान मत का प्रयोग करने का, लेकिन मतदान ईवीएम मशीन में खराबी के चलते लोगों में नाराजगी, क्या कुछ आक्रोश लोगों में बना हुआ था जिस समय ई मशीन खराब हुई और मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई? जैसे ही खराब हुई लोगों में काफी नाराजगी थी और लंबी कतार लगी, और इस कतार के बाद जो है लोग अपना कहीं अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या जनपद में लगातार जो है ऐसे बनना है कि अभी चौथा विधानसभा है, वहाँ पर सुबह 7 बजे जैसे ही मतदाता लाइन में आए वहाँ पे मशीन में गड़बड़ी पाई गई, तो फिर आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने इसको सही कराया।
फिर बात करते हैं अयोध्या की, वहाँ पर भी आपसे बता दें सदर का, वहाँ पे भी एक मामला सामने आया जहाँ पे ईवीएम खराब हुई और लोगों की लंबी कतार लगी है, लोगों को में रोष है, नाराजगी है, कहीं ना कहीं ईवीएम खराब होने की जो बात कही जा रही है, अब प्रशासन के लोग वहाँ पहुंचे हैं उसको सही कराने का पूरा प्रयास है। अब से जो हम आपसे बता दें 276 विधानसभा है यहाँ पर सुचारू रूप से वोटिंग शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या से खबर आ रही थी ईवीएम मशीन खराब होने के चलते मतदान प्रक्रिया बाधित हो गई और यूपी में पांचवा रन लगातार जारी है, यूपी में पांचवें चरण का चुनाव आज हो रहा है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, बहराइच से अब्दुल कादिर से हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता बहराइच से हमें खबर बता रहे थे जिस तरह से मतदान स्थलों पर लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। बहराइच की बात करूं तो जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से जो मतदान प्रतिशत है या लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले इस मतदान प्रक्रिया में, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किया, सेल्फी पॉइंट्स कई जो स्थल है वहां पर बनाए गए जिससे जो मतदाता है वो भी बढ़ चढ़ कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले। जी बिल्कुल, अधिकारी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था मतदान बढ़ाया जाए, क्योंकि बूथ सही बनाए गए हैं, सही बूथ बनाया गया है जिसको देख के लोग पहुंच रहे हैं, तो कहना है कि कहीं ना कहीं से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन बहराइच में कई बूथों पर बढ़ी लगा, वही अगर बात करें हम तो दिन चलिए हुए थे जी। राहुल मिश्रा संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से लगातार बने हुए, राहुल प्रयागराज के विधानसभा सीट की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर और क्या कुछ मतदान स्थल पर जो माहौल है इस वक्त देखने को मिल रहा है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वो मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले उसके लिए क्या कुछ इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, क्या कुछ इंतजाम? जी वैसे ही खत्म है, कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं। इसके नाते अखिलेश जी जिस पूर्ववर्ती उनकी सरकार थी जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे, जाति पाति पंथ जाति की जात में लड़ा दिया, हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दिया, यही अयोध्या है जहाँ आए दिन रोजाना बम धमाका दंगा, ये दुकान जली वहाँ बवाल हुआ, आज 5 साल में कहीं कुछ हुआ क्या? इसके नाते योगी जी की सरकार, मंदिर राम का बन रहा है इस बार, क्या ये मुद्दा है इस बार? नहीं, अपार उत्साह है राम भक्तों में, हिंदू जनमानस में, इसके नाते भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है और मथुरा भी बनेगा और काशी भी बनेगा। सुन रहे थे आप किस तरीके से बात कर रहे थे, योगी सरकार की वापसी की बात कहते नजर आए यहाँ पर और तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए लगातार। राहुल मिश्रा से बात कर रहे थे हम प्रयागराज में, जी अपनी बात पूरी कीजिए राहुल, जिस तरह से माहौल जो है वो प्रयागराज में बना है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? राहुल आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राहुल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जो आवाज है उसमें दिक्कत आ रही है, हम आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो तमाम संवाददाता है वो मौजूद है हमारे साथ, गोंडा से प्रवीण हमारे जो संवाददाता है वो मौजूद है, जानना चाहूंगी कि गोंडा में जो तमाम न्यू वोटर्स है, नए वोटर्स है, उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है जो पहली बार वोट करने पहुंचे हुए मतदान स्थलों पर? जो पहली बार इस बार मतदान कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है, वो सबसे पहले होके और मतदान केंद्रों की तरफ आ रहे हैं, उसमें कई वोटर ऐसे हैं जो उनका इस विधानसभा में पहली बार वो वोट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आ रहे हैं यहाँ पे, जो बूथ बनाए गए हैं बूथ के में से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, लोग आते हैं और वोट मतदान करने के बाद वहाँ सेल्फी पॉइंट पर फोटो खींच के उसके बाद फिर वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जी तमाम लोग बने रहेगा हमारे साथ, जानकारी लेते रहेंगे और इसी बीच प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है,
कुंजा विधानसभा की बेती बूथ पर ईवीएम खराब। बूथ संख्या 153 पर ईवीएम खराब। प्रतापगढ़ से खबर बता रहे हैं हम आपको, और कुंजा विधानसभा जहां से राजा भैया चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, ईवीएम खराब होने से करीब एक घंटे बाधित रहा मतदान। कुंजा विधानसभा की बेती के बूथ पर ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। कुंडा विधानसभा के बेती बूथ पर, ये वही बूथ है जहां पर मशीन ईवीएम मशीन खराब हुई थी। एक घंटे बाद मतदान शुरू हुआ है, यहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से एक घंटा मतदान बाधित रहा है। हम दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि यहां दिखाएं किस तरह से यहां भीड़ लगी हुई है, मतदान लोग कर रहे हैं, लोगों में रुचि है मतदान करने के लिए, उत्साह है। देखिए किस तरह से लाइन लगा के लोग मतदान कर रहे हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए तो मतदान व्यवस्था में सुरक्षा कर्मियों की, तो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है, मतदान कराए जा रहे हैं। फिलहाल ईवीएम मशीन चालू हो चुकी है और मतदान अपने हिसाब से तेजी से चल रहा है। के न्यूज़ महफूज हसन, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ से खबर बता रहे थे आपको, प्रतापगढ़ की कुंजा विधानसभा पेती बूथ पर ईवीएम खराब, और ये वही विधानसभा सीट है जहां पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और अब वोटिंग करने इसी विधानसभा में पहुंचेंगे। लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से एक घंटे तक मतदान बाद हुआ, जिसकी वजह से लोगों को खासी जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ से खबर, कुंजा विधानसभा सीट पर ईवीएम खराब, और ये वही सीट है जहां से राजा भैया चुनावी मैदान में उतरे हुए अपनी किस्मत आजमाने के लिए और थोड़ी देर में वोटिंग करने के लिए भी पहुंचेंगे। बूथ संख्या 153 पर ईवीएम खराब, प्रतापगढ़ से खबर। और प्रतापगढ़ के बाद अब बात करते हैं बहराइच की, जहां से ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। मचेरा विधानसभा में दो जगह ईवीएम खराब, भक्तापुर रिसिया और देवीपुरा रिसिया पर ईवीएम खराब होने की जानकारी बहराइच से सामने आ रही है। 166 बूथ नंबर पर ईवीएम हुई खराब। प्रतापगढ़ के बाद बहराइच की भी बूथ संख्या जहां पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली, 62 नंबर बजेरा क्षेत्र में ईवीएम मशीन खराब। मटेरा विधानसभा में दो जगह ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, भक्तापुर रिसिया और देवीपुरा रिसिया, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब, जिसकी वजह से मतदान प्रक्रिया बाधित। 166 बूथ नंबर पर ईवीएम मशीन हुई खराब, लोगों की बड़ी लंबी कतारें लगी हुई हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। 62 नंबर बजेरा क्षेत्र पर ईवीएम मशीन हुई खराब, बहराइच से खबर। बहराइच की दो जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी, मटेरा विधानसभा की दो जगह जहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है, भक्तापुर रिसिया और देवीपुरा रिसिया, ये दो ऐसी जगह जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। बहराइच से हम आपको खबर बता रहे हैं। नंबर बडेरा क्षेत्र में मशीन हुई खराब, और बहराइच में आज यूपी में पांचवें चरण का दौर जो है वो जारी है, और बहराइच भी वैसी जगह है जहां पर आज मतदान हो रहा है। तमाम जो जनता है वो पूरी जागरूकता के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान स्थल पर पहुंची है। लेकिन बहराइच में दो जगहों पर, मचेरा विधानसभा की दो जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होती है, जिसकी वजह से मतदान प्रक्रिया कुछ समय के लिए बाधित और लोगों में खासी नाराजगी। लंबी कतारें जो है लोगों की लगी हुई अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान करने के लिए, लेकिन मतदान जो है वो कुछ समय के लिए रुक चुका है क्योंकि बहराइच की मचेरा विधानसभा में दो जगहों पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। भक्तापुर रिसिया और देवीपुरा रिसिया, ये दो ऐसी जगह है जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। और प्रतापगढ़ से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर कुंजा विधानसभा सीट पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी, और इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो
कुंजा विधानसभा सीट की बेती बूथ पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये वही मतदान स्थल है जहां पर मतदान प्रक्रिया जो है वो एक घंटे के लिए बाधित रही क्योंकि ईवीएम मशीन में खराब आ गई थी, जिसकी वजह से एक घंटे तक मतदान बाधित रहा। लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला और इसी विधानसभा सीट पर बेती के बूथ संख्या पर अब पहुंच चुके हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कुंजा विधानसभा की बेती बूथ पर ईवीएम मशीन खराब हुई थी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया अपने मत का प्रयोग करने से पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे। कुंजा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे राजा भैया और अपने मत का प्रयोग करने से पहले पूजा अर्चना करते नजर आ रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, मंदिर में मंदिर बाहर आ जाओ, मंदिर में कोई मत करो, साइड अच्छी नहीं लगेगी, मंदिर में नहीं होगा यार, बाहर आ जाओ सर। कुंजा विधानसभा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। इस पांचवें चरण में कुंजा विधानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह चुनावी मैदान में उतर रहे। हर बार से बेहतर, निश्चिंत है सर, बिल्कुल एकदम निश्चिंत। प्रतापगढ़ से खबर बता रहे हैं, कुंजा विधानसभा की बेती बूथ पर ईवीएम खराब और एक घंटे तक बाधित रहा मतदान। ईवीएम मशीन खराब होने से एक घंटे तक बाधित रहा मतदान। और यूपी के रण पांचवें चरण की महाकवरेज लगातार के न्यूज इंडिया पर जारी। हमारे तमाम संवाददाता मतदान स्थलों पर बने हुए हैं तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील, शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही है ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यूपी के रण पांचवें चरण की महाकवरेज लगातार के न्यूज इंडिया पे जारी है। तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं पल पल की जानकारी देने के लिए। संवाददाताओं से बात करने से पहले एक बार मैं सबको एक बार बोल देती हूं कि अपने फोन का जो म्यूट बटन है वो एक बार उसको आप अपने म्यूट पे ही रखिए, और जब आपसे मैं प्रश्न कर रही हूं तभी अनम्यूट कीजिए। ऐसे आपका जो सवाल है, ऐसे जो भी जनता की राय है वो सीधे जनता तक पहुंच सकेगी और आपकी बात साफ तौर पर जनता तक पहुंचेगी। रजी सिद्दीकी हमारे संवाददाता बाराबंकी से बने हुए। रजी, बाराबंकी में जो मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ कर इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? तमाम मतदान स्थलों पर हमने देखा कि जो सेल्फी पॉइंट्स है वो बनाए गए हैं ताकि जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए तमाम तरीके के जो पैतरे आजमाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ बाराबंकी के मतदान
स्थलों पर तस्वीर देखने को मिल रही है, वहां पे भी जो सेल्फी पॉइंट्स है वो बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बाराबंकी में भी यह मतदाताओं को लुभाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और सखी मतदाता बूथ का भी इंतजाम किया गया। आपको बता दें कि दो फिल्मों के डायलॉग यहाँ पे प्रशासन की तरफ से लगाए गए जो बहुत ही चर्चित रहे थे। एक कि चल धंडो चल, तेरी इज्जत का सवाल है, तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से उन्होंने उस कटफेस बना के चल धंडो चल आपकी वोट करना है, और एक जा सिमरन जा का बहुत चर्चित डायलॉग हुआ था कि जा सिमरन जा अपनी जिंदगी जी ले, तो प्रशासन की तरफ से उसको कटफेस सेल्फी पॉइंट बना के उसमें लिखा गया है कि जा सिमरन जा आपकी मतदान कर। तो इस तरह से प्रशासन बाराबंकी प्रशासन ने इस तरह से वोटों को लुभाने के लिए कई कटफेस बनाए गए और सेल्फी पॉइंट बनाए गए। सखी मतदाता की बात करें तो सखी मतदाता के बूथ भी काफी साज और सज्जा के साथ गुब्बारों के साथ बनाया गया और वहां पे भी काफी लोगों को लुभाने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए गए। तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं और जैसे भी विकलांगों के लिए भी व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है और उसके लिए भी कई प्रशासन ने आदमियों का इंतजाम कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह देखा जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदान कर रहे हैं और प्रशासन का साथ दे रहे हैं। जी जी, मतदान स्थलों पर जिस तरह से हम बात करें कि मोबाइल फोन ले जाना जो है वो एक तरह से अलाउ नहीं होता है, लेकिन चुनाव आयोग के एक सदस्य ने अभी बताया जिस तरह से वो बात कहते नजर आए कि अब मतदान स्थलों पर फोन ले जाना जो है वो एक तरह से शुरू हो चुका है। तो क्या बाराबंकी में भी इस तरह की तस्वीर जो है नजर आ रही है कि लोग मतदान स्थलों पर अब मोबाइल फोन लेकर जा रहे हैं, क्या इस तरीके की अनुमति दी गई है? नहीं नहीं, आपको बता दें बिल्कुल इस तरह की कोई अनुमति नहीं है। यहाँ पे जो हम दिखाना चाहेंगे कि जो पैरा मिलिट्री की फोर्स खड़ी है और जो प्रशासन के अधिकारी जो ड्यूटी पे तैनात किए गए हैं वो बाकायदा हम इस साइड में अपने सहयोगी से कहेंगे कि इस तरफ दिखाएं कि वो बाकायदा इस चेक करते हैं कि फोन किसी के पास तो नहीं है। वो बिल्कुल अलर्ट कर देते हैं जिस जो भी वोट डालने जाता है उनसे पूछते हैं कि आपके पास मोबाइल फोन तो नहीं है, तो वो लोग अगर मोबाइल फोन है तो उनका फोन जमा करवा लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मोबाइल फोन ले जाने की अंदर इजाजत नहीं दी गई है और ना ही कोई जो वोट डालने जा रहा है वो मोबाइल लेके जा रहा है। जी जी, अब्दुल कादर बहराइच से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बहराइच की अगर बात करें तो 2022 में जो तमाम बहराइच की दो सीटें हैं वहां पर चुनाव काफी रोचक हो गया, क्योंकि बहराइच की सदर सीट की बात करें तो यासर शाह चुनावी मैदान में है, और अगर बहराइच की मटेरा सीट की बात करें तो यासर शाह की पत्नी मारिया शाह चुनावी मैदान में मौजूद है। तो बहराइच में किस तरह के समीकरण जो है वो नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि अगर मटेरा समीकरण की बात किया है तो मटेरा में यासिर शाह विधायक थे, अभी की पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ रही है और काफी अच्छा रुझान है क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोटर काफी है और इनके पर जब से विधानसभा बनी तब से दो बार विधानसभा चुनाव यासिर शाह ही विधायक रहे हैं, अब की उनकी पत्नी लड़ रही है तो इसलिए साफ है कि उनकी विधायक बने। अगर बहराइच में 23 साल यासिर शाह के पिता डॉक्टर वकार अहमद शाह विधायक रहे और कैबिनेट मंत्री रहे। पिछली बार बीजेपी लहर में भाजपा की नेत्री अनुपमा जायसवाल ने इस सीट को अपने कब्जे में लिया था। लड़ाई है देखिए यार, ये बीजेपी सपा और बसपा तीनों बहराइच में लड़ रही है, अभी कुछ क्योंकि 50% वोटर टैलेंट है, उसका मत किधर जाएगा अभी कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता है। जी, मतदान प्रतिशत अगर बढ़ाने की बात की जाए मतदाताओं को लुभाने के लिए, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से मतदान स्थलों पर की गई? तमाम जगहों पर हमने देखा कि सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि मतदाता हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो क्या बहराइच में भी इस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है मतदान स्थलों पर? बिल्कुल, मतदान बढ़ाने के लिए लगातार जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है, कुछ कैंप बनाए गए हैं और कुछ बूथों पर सजाया गया है उनको देखने के लिए लोगों को कही गई है और जिला प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जो है अनाउंसमेंट द्वारा जागरूक किया गया था जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सके। प्रशासन का प्रयास है और उम्मीद भी कि बहराइच में इस बार वोटा परसेंटेज काफी बढ़ के सामने आएगा, लेकिन बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच की मटेरा विधानसभा में 7 से 8 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर मशीनें खराब, 1 घंटे से मतदान रुका हुआ है, बाकी और विधानसभा में तो मतदान चल रहा है लेकिन मटेरा ही ऐसा विधानसभा में 7 से 8 पोलिंग बूथ पर मशीनें खराब है। जी, तो तमाम संवाददाता हमारे साथ बने रहेगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। यूपी के रण और पांचवें चरण की मॉक कवरेज लगातार जारी है, 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ये चरण जो है वो बेहद अहम हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। लगातार जानकारी हम आपको देते रहेंगे चुनाव से जुड़ी हुई, और इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।